अच्छा जी, हम कहते हैं कि पाकिस्तान पीछे क्यों है। ये देखें, पाकिस्तान पीछे ऐसे है कि ये देखें, एक एम्प्लाई है वो पीपीएससी पे अप्लाई कर रहा है, तो ऊपर ऑप्शन था यहाँ पे कि कोरोना का सर्टिफिकेट है या नहीं है। कोरोना गुजरे अब 2 साल हो गए हैं, यानी कोरोना जो उनसे है वो 2 साल से कोरोना अब किसी को भी नहीं है। तो उसने कहा कि चलो सर्टिफिकेट, कोरोना का सर्टिफिकेशन तो सबको हुई थी, तो उसने कहा चलो अब कौन सा बंदा सर्टिफिकेट नंबर मांगता फिरेगा या ढूंढता फिरेगा। उसने नॉट वैक्सीनेटेड कर दिया, तो ऊपर क्या आ गया है कि आप एलिजिबल ही नहीं है, कि आप एलिजिबल ही नहीं है इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपको वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई। मुझे ये बताएं कि अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो ये बंदा ज़िंदा कैसे बच गया अभी तक, और फिर उसको अप्लाई करने की। अब इस वक्त ये पता नहीं 4 साल पुराना फॉर्मेट है अब जोन सा, इसका मतलब है कि जो इस बंदे को कोरोना नहीं हुआ था, ठीक है, या हुआ था या नहीं हुआ था, अगर उसकी वैक्सीनेशन, हज़ारों लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई थी और हज़ारों ने नहीं करवाई थी, तो इसका मतलब है कि अब वो जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी वो किसी गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते। माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या नॉलेज है लोगों का।